हम कुछ फ्रेंड्स छुट्टियां एंजॉय करने रत्नागिरी के लिए निकले थे, पर मुश्किल ये थी कि हम घंटों तक इधर उधर भटकते रहे पर कहीं भी होटल का एक भी रूम नहीं मिल पाया। क्या यार, जहाँ जाओ फुल है। मैंने पहले ही कहा था प्रोग्राम बनाने से पहले बुकिंग करा लो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। ए, ए, रुक रुक निशित, उधर 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 सामने कोई रेस्ट हाउस जैसा दिख रहा है। कहाँ कहाँ है तेरा रेस्ट हाउस? अबे वो देखना, उधर नहीं दिख रहा। वो खंडर। तू ऐसा कर, पीछे जा और कुछ देर के लिए आराम कर ले, तेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं यार, दूर से लगा ऐसा। ये भूतिया बंगला, इसको रेस्ट हाउस दिख रहा है? चढ़ गई लगता है, टैंकर है पूरा टैंकर। मुंबई से ही चालू हो गया था। अच्छा, अबे तो एंजॉय करने ही तो आए हैं यहाँ पे। वाह, क्या एंजॉयमेंट है साहब का, देखो देखो। हसलो बेटा हसलो, बहुत जल्दी रोने का टाइम आने वाला है। ये जो हीरो है ना, अभी तुम्हें ऐसा रुलाने वाला है कि। क्यों बे, मैं क्यों रुलाने वाला हूँ? जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कौन और कैसे रुलाने वाला है। ठीक है, तो तू उतर गाड़ी से और जाके होटल का इंतजाम कर सबके लिए और बन जा हीरो। अच्छा, यहाँ आने का प्रोग्राम तूने ही तो बनाया था ना, तो होटल का इंतजाम तुझे नहीं करना चाहिए था? ए, अब बस करो, बहुत हो गया। देख बसंत, प्रोग्राम हम सबने मिलके बनाया था, इसलिए अगर होटल का इंतजाम नहीं हुआ है तो हम सबकी गलती है। ए, मरना है क्या तेरे को? अभी तो लेने के देने पड़ जाते यार। अब ये कौन आ गई रास्ते में? अरे रुको साहब रुको। क्या है, तेरे को इसी गाड़ी के नीचे आके मरना था क्या? गुस्सा काहे करता है साहब, आप लोग रुकने को कमरा देख रहा था ना। यार कमाल हो गया, इसे कैसे पता कि हम कमरा ढूंढ रहे हैं? हाँ बे, करमचंद की आंटी लग रही है। जिस तरह से हम हर 50 मीटर में गाड़ी रोक के हर झोपड़ी और खंडर को टटोल रहे हैं ना, उससे तो कोई भी बेवकूफ समझ जाएगा कि हमारे पास साला रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तू बात कर इससे। पागल है क्या, इससे मैं बात करूं? हाँ, अरे सुन तो क्या कह रही है वो, बात करने में क्या जाता है। ओके हाँ, क्या बोल रही थी तुम? हमारा छोटा सा घर है यहीं पास में, आपको कोई जगह नहीं मिल रही तो वहाँ रुक जाओ, मैं पैसा भी नहीं लेगी। नहीं नहीं, अबे कुछ तो मिला ठहरने के लिए। अबे वहाँ इसके 10 फैमिली मेंबर्स भी होंगे। नहीं साहब, उधर केवल मेरी अंधी सास और भतीजी रहती है। अबे भतीजी भी रहती है, मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ चाची चलो, कहाँ है तुम्हारा घर? साहब आप वहाँ वो उधर मोड़ पे पहुँचो, मैं पीछे पीछे आ जाएगी। चल निशित गाड़ी बढ़ा। अब वो औरत पता नहीं कब तक आएगी। अब ये क्या, वो तो पहुंच भी गई, उड़ के आई है क्या? अरे शॉर्टकट से आई होगी, छोड़ ना तू। अबे कहाँ का शॉर्टकट? अबे इतना मत दिमाग लगा, वैसे छोटा सा है। निश्चित उधर लगा दे गाड़ी। आओ साहब, ये है हमारा घर। ये घर है? अबे अबे इस उजाड़ की फोटो खींच रहा है। चलो ना साहब, अंदर से अच्छा है। अरे चलना यार। अबे धक्का क्या मार रहा है, तुझे बस इसके भतीजी में इंटरेस्ट है ना? तो फिर हम लोग अंदर की ओर बढ़े। इधर आओ साहब, सीढ़ी से। पर जैसे ही हम अंदर पहुँचे, अंदर से तो और बुरा हाल था, इक्का दुक्का सामान वो भी धूल से सने हुए। इनका फोटो लिया? अच्छा है, इसकी फोटो आएगी। हमारा आदमी है, कुछ बरस पहले खलास हो गया। आप लोग बिस्तर झाड़ के आराम करो, मैं चाय लेके आती। धूल। चल चल यार, इस धूल में नहीं रुकना। देख तो क्या फाड़ू पिक्स आई है तेरी पिक्की तो। अबे तुझे रुकना है तो रुक, हम तो चले। हम झगड़ रहे थे कि तभी हमें एक सुरीली आवाज सुनाई दी। We were spellbound. क्या कशिश थी उस आवाज में।
मयंक का तो सुर ही बदल गया। चाची चाची, चाय बन गई क्या? मैं मयंक के पीछे पीछे गया तो देखता हूँ कि जिस रूम में वो एंटर हुआ वहाँ एक सुंदर लड़की थी। सिंपल बट क्या ब्यूटी थी उसमें। मयंक जाके उसके पास बैठ गया। आप बहुत सुंदर गाती है। अबे निशित आया यार। देखा चालू हो गया ना मयंक। यार पता नहीं क्या है उस लड़की में, एक बार उसको देख लो तो पलक चपकती नहीं। तभी किसी बुढ़िया की खांसने की आवाज आई। बड़ी अजीब आवाज थी। ये क्या है? उस औरत की सास थी ना, वही होगी। मगर यार कौन सा इंसान ऐसे खांसता है। हम लोग शौक से एक उजाड़ रूम की ओर बढ़े। उसी ओर से खांसने की आवाज आ रही थी और जब दरवाजे से झांक के देखा तो वो ऐसा लगा जैसे वो 70-80 नहीं 1000 साल की अंधी बुढ़िया थी। चटाई पर गठरी बने लेटी हुई थी और कैसी आवाज थी उसकी। दया ओ दया, तू आ गया रे तू। हमारा तो खून ही जम गया। हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और बस उसी मोमेंट वहाँ से निकलने को तैयार हो गए। चल चल रोहित, रोहित जल्दी चल, जल्दी चल यहाँ से। निकलो यहाँ से यार, कुछ गड़बड़ है। सामान उठाओ जल्दी और निकल चलो। मयंक मयंक, अरे अरे कहाँ भाग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार तुम लोग भी ना, चल निकल यहाँ से। हम अपना अपना सामान उठा के निकलने को ही थे कि तभी जाने कहाँ से वो औरत चाय लेके आ गई। कहाँ जा रहे हो साहब, चाय तो पी लो। नहीं पीनी चाहिए। चलो निकलो सब यहाँ से। और हम सब भाग के सीढ़ियों से नीचे उतरे और गाड़ी की ओर लपके। पर वो औरत इतनी तेज सीढ़ियाँ उतर सकती थी, वो जैसे उड़ के आई ठीक हमारे सामने। बहुत जल्दी में है साहब, चाय भी नहीं पी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अबे जल्दी गया भाड़ में। बस अब निकल यहाँ से, वो औरत नहीं कुछ और ही है। भाग भाग गाड़ी की ओर भाग। इधर जल्दी आ, चलो गाड़ी में चल। भाग जल्दी चल। चाबी गाड़ी का है, गाड़ी किधर? गाड़ी उधर वो रही गाड़ी। चलो जल्दी चलो यार। इसको अभी कर तो रहा हूँ। अरे भगा निशित, जल्दी गाड़ी भगा, जल्दी निशित जल्दी गाड़ी भगा। और गाड़ी स्टार्ट हुई और हम ही जानते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी स्पीड से ड्राइव नहीं किया, जैसे मौत हमारे पीछे पड़ी थी। जिस स्पीड से मैं ड्राइव कर रहा था सिर्फ 20 मिनट लगे होंगे सिटी पहुंचने में। उस रात हम गाड़ी में ही सोए, पर सुबह तक हम में से कुछ का डर क्यूरियोसिटी में बदल गया था, खासकर रोहित का। वो इन चीजों पे वैसे ही ज्यादा यकीन नहीं करता था। और अगली दोपहर हम फिर उस जगह जाने के लिए निकल पड़े। अभी हम उस जगह के पास ही पहुंचे होंगे कि हमें एक आदमी जाता दिखाई दिया, तो हमने उससे उस खंडर के बारे में पूछा। क्या बोलता है साहब, उधर कौन रहेगा अब? 10 बरस हो गया, आदमी और उसका भतीजी एक रोड एक्सीडेंट में खलास हो गया। उसका औरत, उसको खबर मिला तो उसको दिल का दौरा पड़ा, वो भी खलास हो गया। और वो अंधी बुढ़िया, वो तो चलने से भी लाचार थी साहब, भूखी प्यासी मर गई वो भी। क्या जाने आपको वो सब कैसे दिखा। तभी रोहित को जाने क्या हुआ, उसे उसे चक्कर आने लगे। रोहित अबे क्या हुआ इसको? रोहित तू ठीक तो है ना? रोहित मुझे गाड़ी में ले चलो यार। हाँ ले जाओ यार, इसको उठा के गाड़ी में डालो। हमने उसको सहारा देके गाड़ी में लिटाया। अभी बड़ी मुश्किल से उसे होश आया होगा कि उसने अपना कैमरा निकाला, एक पिक्चर सर्च करके हमें दिखाई। ये वही था, ये आदमी वही था। कौन बे, क्या बक रहा है तू? देखो ये देखो, किसी की पिक नहीं आई है, इट्स ऑल ब्लैंक, क्योंकि वो भूत थे। और जब मैंने उसके आदमी की तस्वीर की पिक ली तो याद है उसने क्या कहा था? तब उस औरत ने कहा था कि उसी की फोटो आएगी। देखो सिर्फ उसी की फोटो आई है,
क्योंकि वो किसी भूत की नहीं तस्वीर की पिक थी, उसके उसके भूत बनने की पहले की। क्या? और जब हमने वो पिक देखी तो हमारा खून जम गया। एक पल को लगा जैसे तस्वीर में उस बूढ़े ने पलके झपकाई। ये पिक रोहित ने उसी खंडर में खींची थी, उस औरत के मर चुके आदमी की तस्वीर से, और वो आदमी वही था जिससे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी। निशित बस मुड़ के मत देख, तू भगा, जितनी तेज हो सकते उतना भगा, बस भगा भगा। हम डर से पीले पड़ गए, सब बस यही चिल्लाए जा रहे थे, गाड़ी भगा निशित, आज कोई नहीं बचेगा। और मेरा ध्यान सिर्फ एक्सेलरेटर पर था, मेरे दिमाग में एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि गाड़ी की रफ्तार क्या है। मैं तो सिर्फ मौत से दूर भागना चाहता था। और तभी जोर से आवाज हुई और हमने सामने जो देखा वो सामने बुढ़िया थी, गाड़ी के बोनेट के ऊपर मकड़ी की तरह अपने हाथों पैरों के बल बैठी हुई। और तभी सामने मोड़ आया और निशित संभाल। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, दोस्ती और खौफ भी। उस हादसे में सिर्फ मैं बच गया और वो कैमरा जिससे हमने वो फोटोग्राफ्स खींची थी। और आपको पता है, मैंने लाख कोशिश की लेकिन उस कैमरा से वो फोटोग्राफ्स डिलीट ही नहीं होते। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और हाँ, चैनल के पिछले वीडियोस को जरूर देखिए।